पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप 2024-25 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर, स्वागत करता हूं आपका योग्यता ऑनलाइन क्लासेस में। आपको बता दें, पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप में आपको 30 प्रश्न गणित से पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं, इसके अलावा जो है 25 प्रश्न आपको सोशल साइंस से पूछे जाते हैं और 25 प्रश्न आपको जीके जीएस से पूछा जाता है। कुल मिलाकर के आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस में 4 अंक होते हैं, यानी कि टोटल 400 अंकों का एग्जाम होता है। तो इसमें आज हम देखेंगे जीके के 25 प्रश्न। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर पीएमएसएसबी योजना की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप किस क्लास में हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक आपको जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह मॉडल पेपर है, देख सकते हैं आप किस तरह के प्रश्न पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, इसी तरह से आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना और अमृतसर की किलेबंदी की थी? ऑप्शन में दिया गया है गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और गुरु हरकिशन। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। सही उत्तर होगा गुरु हरगोविंद सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, जो अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट है तो आप अंग्रेजी में इसमें पढ़ करके उत्तर दे सकते हैं। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया है? तो यहाँ पे देखिए, किसको? अमिताभ घोष, झुम्पा लाहिड़ी, गीतांजलि श्री, चित्रा बनर्जी, दिवा करुणी। तो इसमें से किसको पुरस्कार मिला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, कमेंट में जरूर लिखें। सही उत्तर होगा गीतांजलि श्री। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। भारत के संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली यहाँ से अंगीकृत है, किसमें से लिया गया है? ऑप्शन में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 में है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल या अनुरक्षण और शिक्षा का प्रावधान है? तो यह जो है किस अनुच्छेद में ये बताना है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 45 में ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। प्रश्न है, विश्व में क्रय शक्ति सममूल्यता की दृष्टि से भारत की अर्थव्यवस्था डैश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो यहाँ पर भारत का जो स्थान है वो तीसरा स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिकलित्रों की किस पीढ़ी से माइक्रो प्रोसेसर संबंध रखते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथी पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 82 में, वन क्लास वन टीवी चैनल परियोजना जानी जाती है, तो इसमें जो है कौन सा सही है? पीएम ई विद्या, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय से डीएससी की उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा असीमा चटर्जी। नेत्र सलेस्मा या नेत्र शोध को इस रूप में भी जाना जाता है, तो इसको किस रूप में जानते हैं हम लोग? ये देखिए, इसमें जो भी आंसर दिया है ये सब क्या है? गलत आंसर है, तो इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है। क्वेश्चन 85 पर चलते हैं, भारत में किस दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो एक तो आपने बाल दिवस सुना होगा, ये आ गया वीर बाल दिवस, तो ये मनाते हैं 26 दिसंबर को, ठीक है? ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 86 में, विशेषतया निर्मित हौज एवं तालाबों में मछलियों का प्रजनन कहलाता है, इसको मत्स्य पालन बोलते हैं। अगला देखते हैं, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा नहीं यानी कृत्रिम रेशा, इसमें कौन सा हो जाएगा? एक्रिलिक क्या कृत्रिम रेशा है? क्वेश्चन 89 में, निम्नलिखित में कौन से कारक किसी पदार्थ को एक संसाधन बनाते हैं? तो उसकी उपयोगिता और एवं उनका मूल्य क्या बनाता है? किसी पदार्थ को संसाधन बनाता है। क्वेश्चन 90 में, द्रव्य अवस्था में अस्तित्व में रहने वाली एकमात्र धातु है, कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन।
क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। सही, इसमें देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थल सुदीर्घतम सिंधु घाटी स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? सुदीर्घतम सिंधु घाटी स्थल के रूप में प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा? राखी गढ़ी। भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से मृगनालिनी साराभाई संबंधित है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 93 में एक लघु आकार वाली फाइल जो अपने अभिकलित्र पर इंटरनेट प्रयोक्ता के बारे में सूचना भंडारित करती है को जाना जाता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुकी बोलते हैं। ऑप्शन 4 सही है। भारत में प्रवाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है? यह पाया जाता है रामेश्वरम में। क्वेश्चन नंबर 95 है, हिमालय को डैश पर्वतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? हिमालय क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण है। पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 किनके द्वारा जीती गई है? ऑप्शन में भारत, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान। तो इसमें कौन जीता था? भारत जीता था। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 97 में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में किस स्थान पर है? तो यह है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, द लिविंग माउंटेन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके लेखक कौन है? अमिताभ घोष। फीचर फोटोग्राफी हेतु किस भारतीय फोटोग्राफर ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 में जीता है? किसको मिला है? दानिश सिद्दीकी को। और जीके का अंतिम प्रश्न है, पक्षियों, पशुओं एवं मनुष्यों की प्राचीन गुफाओं में चित्रित आकृतियों हेतु प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में भीमबेटिका मुख्यतः किस अवधि से संबंधित है? तो जाएगा मध्य पाषाणीय जो स्थिति है इससे ये संबंधित है। तो आज की वीडियो में आपने PMSSB के लिए जीके के 25 महत्वपूर्ण मॉडल क्वेश्चन पेपर देखा। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस PMSSB एग्जाम में इस बार भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिए, जल्दी इसका फॉर्म आने वाला है और जल्दी इसका एग्ज़ाम भी होगा। तो तैयारी पे ध्यान दीजिए और जो भी आप वीडियो को देखते हैं तो जो भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप किस जिला से हैं और किस राज्य से हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।